हेलो ममाज़ फूड क्रेज में आप सभी का स्वागत है। आज बनाते हैं सूजी का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधी कटोरी में सूजी ले लिया, आधी कटोरी चीनी ले लिया और फिर इसमें 1 चम्मच घी डाल के, इलायची डाल के और फिर इसमें हमने सूजी डाल दिया है। फिर इसको हम धीमी आंच पे चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी, सुनहरा हो गया है। अब इसको हम और थोड़ी देर चला देंगे। इसको बराबर लगातार चलाते रहिए नहीं तो इसमें जल जाएगा। इस फिर इसमें हमने पानी डाल दिया, 2 कटोरी पानी डाल दिया है और फिर ये हमने हलवा 4 लोगों के लिए ही बनाया है। और इसको इसमें फिर हमने थोड़ा पानी और डाल दिया, फिर चीनी डाल दिया 1/2 कटोरी चीनी और इसको धीमी धीमी आँच से चलाते रहेंगे। जितनी धीमी आँच रहेगा उतनी बढ़िया हलवा बनेगा। तेज आँच में इसमें छींटे पड़ने लगते हैं इसलिए इसको जो है धीमी आंच में चलाना चाहिए। और फिर इसको जो है आप लोग कहाँ इस स्टाइल से आप हलवा बनाइए। और फिर यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है और धीमी धीमी आंच में इसको पकाते पका लेंगे। और तेज़ नहीं करेंगे नहीं तो इसकी छींटे पड़ने लगती हैं। और फिर यहाँ पे हमने देखिए हलवा तैयार हो गया है। इसको एक बार ट्राई करना, कमेंट्स करना। और फिर बाद में थोड़ा सी हमने और भी घी डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में बताना। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। और अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू, बाय।